विदर्भ के किसानों पर चर्चा के लिए विपक्ष ने शीत सत्र दो दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सदन में यह कल ही खत्म करने का निर्णय स्पष्ट किया गया है, जिस पर नाराजगी जताते हुए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने इस निर्णय का निषेध किया है, जहां उन्होंने कहा कि आज हमने दो दिन अधिवेशन चलाने का प्रस्ताव सदन में रखा, लेकिन सरकार विदर्भ के प्रश्नों के लिए गंभीर नहीं है, जिसके चलते बहुमत के भरोसे यह सदन कल खत्म किया जाएगा, जिससे लगता है कि शायद विदर्भ के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। हमने दो दिन हाउस को बढ़ाने की बात की, अधिवेशन बढ़ाने की बात की, और दो दिन केवल विदर्भ के समस्या पर, विदर्भ के इश्यू पर चर्चा करने के लिए हमने उनको बोला, उनसे रिक्वेस्ट की, पर यह सरकार विदर्भ के जो बैकलॉग है, विदर्भ के प्रश्न है, इसके बारे में गंभीर नहीं है। और हमने आग्रह करने के बाद भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उनके पास में मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी को भरोसे उन्होंने कल ये सेशन खत्म करने का निर्णय लिया, और विदर्भ हो या किसान हो, सारे प्रश्नों को अब न्याय देने की अपेक्षा थी, वो नहीं मिल पाएगा ऐसा मुझे लगता है। और इसको लेकर हमने आपने इतना आग्रह करने के बाद भी सरकार दो दिन केवल अधिवेशन चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए राजी नहीं है। हमारी पहले से ही मांग थी कि कम से कम तीन हफ्ता ये सेशन चले और पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के प्रश्न हैं और विशेष रूप से विदर्भ के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा हो, पर सरकार को जल्दी से जल्दी भागना था, यहाँ रुकना नहीं था, ये गंभीर नहीं है ऐसा ही दिखा, इसलिए उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी।